दोस्तों इस वीडियो में हम आरआरसी ग्रुप डी लेवल फर्स्ट एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में देखने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ के साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बिना देरी किए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। आरआरसी ग्रुप डी लेवल फर्स्ट एग्ज़ाम का सिलेबस है 2019। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसके अंदर आपको जो एग्ज़ाम के लिए जो मिनट निर्धारित किए गए हैं वो 90 मिनट हैं और जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होगा। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस से संबंधित करेंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन होंगे। कहने का मतलब 25 नंबर की आपके विज्ञान होने वाली है, 25 नंबर की गणित है, 30 नंबर की आपके रीजनिंग है और 20 नंबर का आपके जीके है और कुल 100 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और 100 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो अलग से पीडब्ल्यूबीडी या जो अपंग है उनके लिए एग्ज़ाम के लिए 120 मिनट निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद जो मिनिमम परसेंटेज है पास होने के लिए वो ओबीसी और सामान्य के लिए 40% है और अन्य पिछड़ा वर्ग के भी 40% है। ओबीसी की नॉन क्रिमिलियर के लिए 30% है। एससी एसटी के लिए 30% निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन जो टाइप होगा क्वेश्चन का वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे सारे क्वेश्चन। और अब बात करते हैं हम विस्तृत सिलेबस की। तो सबसे पहले जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर आपके नंबर सिस्टम आने वाला है, बोर्ड मास का नियम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एससीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेजुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज, कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप और सिस्टर्न से संबंधित सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग लगभग ये आपके पूरे मैथ्स इसमें कवर हो गई हैं। उसके बाद रीजनिंग के अंदर एनालॉजीज, अल्फाबेटिक कल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सियालोलिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन की क्वेश्चन, सफिशियंसी कॉन्क्लूशन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन एंड डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट्स एंड अजम्पशन से संबंधित सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो जनरल साइंस का जो लेवल रहेगा वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस का रहेगा और उसके अंदर आपको 10th स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सीबीएसई कोर्स से रिलेटेड होंगे। उसके बाद लास्ट डी पार्ट की बात करें हम, जनरल अवेयरनेस से संबंधित करेंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चरल, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे। तो ये आरआरसी ग्रुप डी का जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको हमने बता दिया है। उसके बाद हम पीईटी की बात करें। जो आपके पीईटी टेस्ट होगा एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के बाद, तो उसके अंदर जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए उनको 35 केजी का जो बैग होगा, वेट होगा, उसको 100 मीटर 2 मिनट के अंदर कवर करना है। मतलब 2 मिनट के अंदर आपको 35 किलो उठाकर 100 मीटर दूरी तय करनी होगी और बिना उस वेट को रखना है, वेट को आपको रखना नहीं है। उसके बाद दूसरी जो कंडीशन है वो है 1000 मीटर की आपको दौड़ पूरी करनी है 4 मिनट और 15 सेकंड के अंदर, उसके लिए भी आपको एक चांस दिया जाएगा। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 20 केजी वेट उठाना है और 100 मीटर डिस्टेंस है और 2 मिनट्स का समय दिया जाएगा और केवल 1 चांस है और वेट को है जो आपको रखना नहीं है। और इनके अंदर सेकंड जो एग्ज़ाम है वो है 1000 मीटर की जो रनिंग दौड़ है और इसके लिए आपको 5 मिनट और 40 सेकंड का समय दिया जाएगा और केवल एक चांस दिया जाएगा। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट आरआरसी से संबंधित आरआरसी जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम था उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखी है, जिसके अंदर हमने कंप्लीट सिलेबस और फिजिकल से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन कवर की है इसमें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।